श्रीगुरुभ्यो नमः। ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, श्रीविद्या, महाविद्या, ये सब एक ही विद्या के उपनाम हैं अथवा तो पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब हृदय पर हाथ रखकर नित्याओं का पूजन करना है। हृदि हस्तम निधाय चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शतश्वासात्मने प्रतिपत्तिथि रूप कामेश्वरी नित्यायै नमः। इसका मतलब है कि 1440 श्वासों के रूप में हमें पहली नित्या जिसका नाम कामेश्वरी है और वो प्रतिपदा तिथि के साथ उसका एकात्म है, तो प्रतिपत्तिथि रूपा कामेश्वरी नित्या को 1440 श्वासों के द्वारा हमें उसका पूजन करना है, अनुसंधान करना है, ध्यान करना है, भावना करनी है, उपासना करनी है। 1440 को 15 से गुणा करने पर 21,600 हो जाता है। ये 15 नित्याएं हैं और प्रत्येक नित्या को 1440 श्वासों के द्वारा उसकी पूजा करनी है। इन नित्याओं का स्थान श्री चक्र के मध्य में जो मूल त्रिकोण है उसके तीनों रेखाओं पर 5-5 के हिसाब से इनकी स्थिति है, अर्थात त्रिकोण की एक भुजा में 5 नित्याएं, दूसरी में 5, तीसरी में 5, इस तरह। त्रिकोण में नीचे की तरफ से वामावर्त लेफ्ट साइड होते हुए घूमते हुए पूरा चक्कर करना है। तो पहली नित्या का नाम है कामेश्वरी, यानी इच्छाओं की मालिक। उसके बाद तदुत्तर माने उसके बाद, तदुत्तर चत्वारिंशद अधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने द्वितीया तिथि रूप भगमालिनी नित्यायै नमः। द्वितीया तिथि भगमालिनी रूप है, वहाँ पर 1440 श्वासों का समर्पण करना है। और नमः शब्द का अर्थ है नमे, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका ही है, आपको ही समर्पित है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश श्वासात्मने तृतीया तिथि रूप नित्य क्लिन्ना नित्यायै नमः। तीसरी नित्या का नाम है नित्य क्लिन्ना, उनको भी 1440 श्वासों से पूजा करनी है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने चतुर्थी तिथि रूप भेरुंडा नित्यायै नमः। चौथी नित्या का नाम है भेरुंडा नित्या, वहाँ पर भी 1440 श्वासों से पूजा करनी है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने पंचमी तिथि रूप बन्निवासिनी नित्यायै नमः। पांचमी नित्या पंचमी तिथि रूपा बन्निवासिनी नित्या है, वहाँ उनकी 1440 श्वासों से पूजा करनी है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने षष्ठी तिथि रूप वज्रेश्वरी नित्यायै नमः। और छठी नित्या का नाम है वज्रेश्वरी, वहाँ पर भी 1440 श्वासों से अर्चन करना है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने सप्तमी तिथि रूप शिवदूती नित्यायै नमः। सातवीं तिथि रूप सातम रूप जो नित्या है उनका नाम है शिवदूती, उनको नमस्कार, उनके प्रति समर्पण। इसके बाद तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने अष्टमी तिथि रूप त्वरिता नित्यायै नमः। अष्टमी तिथि रूपा त्वरिता नित्या को नमस्कार है, उनके प्रति समर्पण करनी है, श्वासों से पूजा करनी है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने नवमी तिथि रूप कुलसुंदरी नित्यायै नमः। नवमी नित्या का नाम है कुलसुंदरी और वो नवमी तिथि रूपा है, उन्हें नमस्कार।
तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने दशमी तिथि रूप नित्या नित्यायै नमः। दशमी नित्या का नाम है नित्या नित्या। इसके बाद तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने एकादशी तिथि रूप नील पताका नित्यायै नमः। ग्यारहवीं नित्या का नाम नील पताका है, उन्हें नमस्कार। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने द्वादशी तिथि रूप विजया नित्यायै नमः। बारहवीं नित्या का नाम है विजया और वो द्वादशी तिथि रूपा है, उनको 1440 श्वासों से अर्चन करना है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने त्रयोदशी तिथि रूप सर्वमंगला नित्यायै नमः। तेरहवीं नित्या का नाम सर्वमंगला है और वो त्रयोदशी तिथि रूपा है, वहाँ पर भी 1440 श्वासों से समर्पण करना है। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने चतुर्दशी तिथि रूप ज्वालामालिनी नित्यायै नमः। चौदहवीं नित्या का नाम ज्वालामालिनी है और वो चतुर्दशी तिथि रूपा है, उन्हें नमस्कार, उन्हें समर्पण। तदुत्तर चत्वारिंशदधिक चतुर्दश शत श्वासात्मने पौर्णमासी तिथि रूप चित्रा नित्यायै नमः। पंद्रहवीं नित्या का नाम चित्रा है, उन चित्रा नित्या को 1440 श्वासों से पूजा करनी है। नित्या मंत्रानपि तत्तदादौ केचित् पठन्ति। कुछ लोग वहाँ पर नित्या के मंत्र भी बोलते हैं। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीज मंत्र होते हैं और एक लंबा मंत्र होता है। उन मंत्रों का पाठ मैं यहाँ नहीं करता, क्योंकि वो जो करपात्री द्वारा लिखित श्री विद्या रत्नाकर है, वहाँ पर जहाँ स्थूल पूजा की जाती है श्री चक्र की, वहाँ पर वो सारे मंत्र लिखे हुए हैं। ये जो नित्या की भावना है, ये सारी पूजा के अंत में भी कुछ लोग करते हैं। अब श्री चक्र की भावना यहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले चतुरश्र है, जिसको भूपुर भी कहते हैं, वो जो स्क्वायर है जिसकी तीन रेखाएं हैं, उसमें जो सबसे पहली रेखा है वहाँ से शुरू करते हैं। चतुरश्र आद्य रेखायै नमः। चतुरश्र की पहली रेखा को नमस्कार। बक्ष्यमाण स्थानेषु व्यापकम् यस्य। बक्ष्यमाण माने जो आगे कहे जाने वाले हैं, उन उन स्थानों पर व्यापक न्यास करके दक्षांश पृष्ठ रूप शांतरसात्मने अणिमा सिद्ध्यै नमः। दक्षांश माने दाहिना कंधा, दाहिने कंधे का पृष्ठ भाग। दक्षांश पृष्ठ रूप शांतरसात्मने, वो शांत रस से एक रूप है, शांत रस की वहाँ पर स्थिति है और वहाँ पर अणिमा सिद्धि रही हुई है। यह चतुरश्र की पहली रेखा का पूर्व द्वार है। यहाँ से बामावर्त घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अग्नि नैऋति वायव्य और ईशान, और उसके बाद ऊर्ध्व और अधः, यानी ईशान और पूर्व के मध्य में अंतिम और पश्चिम और दक्षिण के मध्य में नौमें को लेना। चतुरश्र की पहली रेखा में 10 देवता हैं, दूसरी रेखा में 8 और तीसरी में 10। तो इस प्रकार शुरू करते हैं। चतुरश्र की पहली रेखा के पूर्व द्वार में अणिमा सिद्धि और शरीर में दक्षांश पृष्ठ यानी दाहिने कंधे का पिछला भाग, वहाँ पर शांत रस और अणिमा सिद्धि की स्थिति है, उन्हें नमस्कार। अब यह क्रम चलेगा ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज। दक्ष पाण्यंगुल्यग्र रूप अद्भुत रसात्मने लघिमा सिद्धियै नमः। दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग रूप अद्भुत रस और लघिमा सिद्धि की स्थिति है, उनकी वहाँ भावना करनी है,
उन्हें नमस्कार करना है। दक्ष स्फिग रूप करुण रसात्मने महिमा सिद्धियै नमः। स्फिग्धेशेनाभिताम्रेण रराज समहाकपिः। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी लंका की तरफ उड़ रहे थे तो उनका जो पिछला भाग था वो लाल लाल चमक रहा था, उसकी शोभा हो रही थी। तो स्फिग देश का मतलब होता है जैसे बंदर के पिछले जो लाल लाल दो स्पॉट जैसे दिखते हैं, वो नितंब के पृष्ठभाग में जो लाल भाग है उसी का नाम स्फिग है। दक्ष पादांगुल्यग्र रूप वीर रसात्मने ईशिता सिद्धियै नमः। अब दाहिने पैर की अंगुली का अग्रभाग वीर रस से जिसका एकात्म्य है और वहाँ पर ईशिता सिद्धि ईशित्व सिद्धि विराजित है, उनका न्यास करके भावना करके नमस्कार करनी है। वाम पादांगुल्यग्र रूप हास्य रसात्मने वशिता सिद्धियै नमः। बाएं पैर की अंगुली के अग्रभाग रूप हास्य रसात्मक और वशिता सिद्धि की वहाँ पर प्रतिष्ठा है, उनकी पूजा करे नमस्कार करे। वाम स्फिग रूप बीभत्स रसात्मने प्राकाम्य सिद्धियै नमः। और वाम स्फिग रूप बीभत्स रसात्मक प्राकाम्य सिद्धि को नमस्कार। वाम पाण्यंगुल्यग्र रूप रौद्र रसात्मने भुक्ति सिद्धियै नमः। बाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग में रौद्र रस की स्थिति है और वहां पर भुक्ति सिद्धि विराजित है। वामांश पृष्ठ रूप भयानक रसात्मने इच्छा सिद्धियै नमः। बाएं कंधे के पिछले भाग में भयानक रस और इच्छा सिद्धि का एकात्म्य है। चूली मूल रूप श्रृंगार रसात्मने प्राप्ति सिद्धियै नमः। चूली मूल माने बालों का जो मूल होता है, चोटी का जो मूल है, उसको चूली मूल कहते हैं। वहां पर श्रृंगार रस और प्राप्ति सिद्धि की स्थिति है, उनका एकात्म भाव से चिंतन करना चाहिए। चूली पृष्ठ रूप नियत्यात्मने सर्वकाम सिद्धियै नमः। और चोटी का जो पृष्ठ भाग है वहां पर नियति और सर्वकाम सिद्धि की प्रतिष्ठा है। नियति माने यूनिवर्सल लॉ। जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी तो 36 तत्वों की उत्पत्ति की थी। इसका प्रारंभ होता है शिव शक्ति सदाशिव और सादाख्य, ईश्वर शुद्ध विद्या, माया कला विद्या, राग काल, नियति पुरुष, प्रकृति महत्तत्व, अहंकार मनस, श्रोत्र श्रवण, त्वक त्वचा, चक्षुष चक्षु, जिह्वा रसना, घ्राण वाक, पाणी पाद, पायु उपस्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु अग्नि तेजस आपस जल और पृथ्वी। तो इसमें नियति का नंबर 11वां है। तो चतुरस्र की पहली रेखा में अणिमा लघिमा महिमा ईशित्व वशित्व प्राकाम्य भुक्ति इच्छा प्राप्ति और नियति, ये सब मिलाकर 10 शक्तियां भूपुर की पहली रेखा में हैं। अब भूपुर की बीच वाली रेखा में चलते हैं। चतुरस्र मध्य रेखा यही नमः तदंतर व्यापकम न्यस्य। जब तदंतर व्यापकम न्यस्य ये कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि पूरी रेखा को एक रूप समझ के फिर उसको नमस्कार करें पहले, फिर उसमें जो 8 या 10 खंड करते हैं उन उन कोणों पर अमुक अमुक शक्तियों की भावना करके वहां न्यास करें। तो शुरू करते हैं बीच वाली रेखा।
पादांगुष्ठद्वयरूपकामात्मने ब्राह्म्यै नमः। पैरों के जो दोनों अंगूठे हैं वो दोनों अंगूठे कामात्मा है, काम रूपी है, और ब्राह्मी शक्ति है। ब्राह्मी शक्ति से ही काम की शुरुआत होती है। दक्ष पार्श्वरूप क्रोधात्मने माहेश्वर्यै नमः। जो दाहिनी साइड है, पार्श्व माने साइड वाला भाग, वो क्रोधात क्रोध रूप माहेश्वरी शक्ति है। मूर्ध रूप लोभात्मने कौमार्यै नमः। और मूर्धा सिर भाग में लोभ है और कौमारी शक्ति है। वाम पार्श्व रूप मोहात्मने वैष्णव्यै नमः। और बाईं साइड में मोह रूपी वैष्णवी शक्ति है, उसको नमस्कार। वाम जानु रूप मदात्मने बाराह्यै नमः। बायां घोंटू मदात्मक है और बाराही शक्ति है उसकी। दक्ष जानु रूप मात्सर्यात्मने इंद्राण्यै नमः। दाहिना घोंटू मात्सर्य भाव है और इंद्राणी उसकी शक्ति है। दक्ष बहिरंश रूप पुण्यात्मने चामुंडायै नमः। दाहिना कंधे का बाहरी भाग पुण्य पुण्य से एकात्मता है उसकी, और चामुंडा उसकी अधिष्ठात्री देवी है। वाम बहिरंश रूप पापात्मने महालक्ष्मी नमः। बाएं कंधे का बाहरी भाग, वहां पर पाप है और महालक्ष्मी उसकी अधिदेवता है। तो सब मिलाकर मध्यम रेखा में 8 देवता हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी। और ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पुण्य और पाप को रिप्रेजेंट करती हैं। अब चतुरस्र की अंतिम रेखा में मुद्रा शक्तियों की स्थापना है, और वो शरीर में कहाँ कहाँ रही हैं उनकी भावना करनी है। श्री चक्र का और शरीर का एकात्म करना है। तो चतुरस्र में अंतिम रेखा में सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वभशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि और सर्वत्रिखंडा, ये 10 शक्तियां हैं। तो शुरू करते हैं चतुरस्र की अंतिम रेखा को। चतुरस्र अंत्यरेखायै नमः इति तदंतर्व्यापकम्। चतुरस्र की अंतिम रेखा को नमस्कार है, और उसके अंदर माने इन इट्स टोटालिटी, उसकी संपूर्णता में व्यापक का न्यास करके। पादांगुष्ठद्वयरूपाधः सहस्रकमलात्मने सर्वसंक्षोभिणी मुद्रायै नमः। पैरों के दोनों अंगूठे ही अधोमुख सहस्रदल कमल है और वही सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा है। दक्ष पार्श्वरूप मूलाधारात्मने सर्वविद्राविणी मुद्रायै नमः। और दाहिनी साइड रूप मूलाधारात्मने सर्वविद्राविणी मुद्रायै नमः। मूलाधार और दाहिनी साइड, इन दोनों की एकात्मता करके वहां पर सर्वविद्राविणी मुद्रा शक्ति की पूजा करें। मूर्ध रूप स्वाधिष्ठात्मने सर्वाकर्षणी मुद्रायै नमः। और अपने सिर का स्पर्श करके वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र की भावना करते हुए सर्वाकर्षणी मुद्रा शक्ति को स्थापित करे। वाम पार्श्व रूप मणिपुरात्मने सर्वभशंकरी मुद्रायै नमः। और बाईं साइड में मणिपुर चक्र और सर्वभशंकरी मुद्रा शक्ति। वाम जानु रूप अनाहतात्मने सर्वोन्मादिनी मुद्रायै नमः। बायां घोंटू और अनाहत चक्र और सर्वोन्मादिनी मुद्रा, इन तीनों का एकात्म करके न्यास करके पूजा करे। दक्ष जानुरूप विशुद्धात्मने सर्वमहांकुशा मुद्रायै नमः। दाहिना घोंटू
और विशुद्ध चक्र जो कंठ में रहता है, और सर्व महांकुशा मुद्रा। दक्षांतरांश रूप त्रियोन्यात्मने सर्वखेचरी मुद्राये नमः। दाहिना कंधे का अंदर का भाग रूप और त्रियोनी चक्र और सर्वखेचरी मुद्रा, इन तीनों का एकात्म करे। वामांतरांश रूप ज्ञानात्मने सर्व बीज मुद्राये नमः। बाएं कंधे का अंदर का भाग और ज्ञान स्वरूप सर्व बीज मुद्रा और द्वादशांतर रूप ऊर्ध्व सहस्र कमलात्मने सर्व योनि मुद्राये नमः। और चोटी के नीचे सिर के पिछले भाग में सबसे पीछे, सबसे ऊपर, सबसे पीछे ऊर्ध्व सहस्रदल कमल है और वहां पर सर्व योनि मुद्रा है, उनका एकात्म करके उनकी पूजा। पादांगुष्ठ रूप आधार नवकात्मने सर्वत्रिखंडा मुद्राये नमः। और पैरों के अंगूठे रूप आधार नवक जो 9 आधार चक्र हैं वो सब मिला करके और उनके सबके साथ सर्वत्रिखंडा मुद्रा, दशमी मुद्रा, इन सब का एकात्म करके चतुरश्र की अंतिम रेखा पूरी होती है। अब भूपुर से आगे त्रैलोक्य मोहन चक्र है, उसको षोडश दल कमल भी कहते हैं, तो वहां से शुरू करते हैं। हृद रूप त्रैलोक्य मोहन चक्रेश्वर्यै त्रिपुराय नमः। जो आपका हृदय है वही त्रैलोक्य मोहन चक्र है। और हृदय का मतलब ये जो पंपिंग सेट है ये नहीं होता है, सारी चेतना का जो केंद्र है वही हृदय है, वहीं पर त्रैलोक्य मोहन चक्र है। तो जब हृदय को स्पर्श करो ऐसा कहा जाए तो मध्य भाग का स्पर्श करना है, जहां पर हार्ट है वहां स्पर्श नहीं करना। हृद रूप त्रैलोक्य मोहन चक्रेश्वर्यै त्रिपुराय नमः इति तत्तत्स्थानानि स्पृष्ट्वा एताः सर्वाः स्वात्माभिन्नत्वेन विभाव्य स्वात्मनः परिच्छेदराहित्यं विभावयेत्। उन स्थानों का स्पर्श करते हुए और अपनी आत्मा से अभिन्न, अलग नहीं, एक रूप मान करके ही, विभावना करके, मान के, समझ के, फील करके, स्वात्मनः परिच्छेदराहित्यं, अपने आप को सीमाओं से रहित, परिच्छेद से रहित विभावना करे, ध्यान करे। प्रकट योगिनी रूप स्वात्मने अणिमा सिद्धियै नमः। और त्रैलोक्य मोहन चक्र की जो अभिमानिनी देवता है उसका नाम है प्रकट योगिनी। तो प्रकट योगिनी रूप अपनी आत्मा ही अणिमा सिद्धि है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है। अणिमा माने अत्यंत सूक्ष्म, इंद्रियों से अगोचर। अपरिच्छिन्न स्वात्मने सर्वसंक्षोभिणी मुद्राये नमः। और वो अपना ही जो स्वरूप है अपरिच्छिन्न असीमित, ऐसी अपनी आत्मा ही सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा है। इस प्रकार प्रयोग पूर्वकं वा विभावयेत्, प्रयोग पूर्वक विभावना करे। विभावना माने विशेष भावना। षोडश दल पद्माय नमः। अब ये 16 दल वाला जो कमल है उसको नमस्कार। तदंतर व्यापकं न्यस्य, उसके अंदर यानी संपूर्ण षोडश दल कमल को न्यास करके, स्पर्श करके, स्थापित करके। दक्ष श्रोत्र रूप पृथिव्यात्मने कामाकर्षिणी नित्याकलायै नमः। दाहिने कान का पिछला भाग वो पृथ्वी रूप है, पृथ्वी से उसकी एकात्मता है और कामाकर्षिणी नित्याकला वहां पर विराजमान है। दक्षांश रूपावात्मने बुद्ध्याकर्षिणी नित्याकलायै नमः। दाहिना कंधा जल रूप है, वरुण रूप है और बुद्ध्याकर्षिणी नित्याकला देवी वहां पर विराजित है। दक्ष कूर्पर रूप तेजात्मने अहंकाराकर्षिणी नित्याकलायै नमः। दाहिनी कोहनी, हाथ का मध्य भाग, वहां पर तेज और अहंकाराकर्षिणी नित्याकला।
दक्ष कर पृष्ठ रूप वायुआत्मने शब्दाकर्षणी नित्याकलायै नमः। दाहिने हाथ का पिछला भाग यानी हथेली का पिछला भाग, वहाँ पर वायु देवता हैं, वायु तत्व और शब्दाकर्षणी नित्याकला, इनकी एक रूपता का विभावना करे। दक्षोरुरूप आकाशात्मने स्पर्शाकर्षणी नित्याकलायै नमः। दाहिनी जांघ उसकी आकाश के साथ एकात्मता करके और वहां पर स्पर्शाकर्षणी नित्याकला की प्रतिष्ठा करे, उन सबकी एकात्म विभावना। दक्ष जानुरूप श्रोत्रात्मने रूपाकर्षणी नित्याकलायै नमः। दाहिना घोंटू और श्रोत्रेंद्रिय और रूपाकर्षणी नित्याकला, इन सबकी एकात्म विभावना करे। दक्ष गुल्फ रूप त्वगात्मने रसाकर्षणी नित्याकलायै नमः। और दाहिना टखना और त्वचा और रसाकर्षणी नित्याकला, इन तीनों की एकात्म विभावना करे। दक्ष पाद तल रूप चक्षुरात्मने गंधाकर्षणी नित्याकलायै नमः। दाहिने पैर का तलवा और चक्षु इंद्रिय और गंधाकर्षणी नित्याकला, ये तीनों की एकात्म भावना। बाम पाद तल रूप जिह्वात्मने चित्ताकर्षणी नित्याकलायै नमः। बाएं पैर का तलवा और जिह्वा इंद्रिय और चित्ताकर्षणी नित्याकला, इन तीनों का ऐकात्म्य। बाम गुल्फ रूप प्राणात्मने धैर्याकर्षणी नित्याकलायै नमः। और बाएं पैर का टखना और प्राण और धैर्याकर्षणी नित्याकला, इन तीनों का ऐकात्म्य। बाम जानुरूप भागात्मने स्मृत्याकर्षणी नित्याकलायै नमः। बायां घोटू और वाणी इंद्रिय और स्मृत्याकर्षणी नित्याकला। बामोरुरूप पाण्यात्मने नामाकर्षणी नित्याकलायै नमः। बायां घोटू और हाथ इंद्रिय पाणी इंद्रिय और नामाकर्षणी नित्याकला, इन तीनों का ऐकात्म्य। बाम कर पृष्ठ रूप पादात्मने बीजाकर्षणी नित्याकलायै नमः। बाएं हाथ का पिछला भाग यानी हथेली का पिछला भाग और पाद इंद्रिय पैर जिससे हम चलते हैं और बीजाकर्षणी नित्याकला, इन तीनों का ऐकात्म्य। बामकूर पर रूप वायुआत्मने आत्माकर्षणी नित्याकलायै नमः। और बाएं हाथ की कोहनी रूप और पायु नाम की इंद्रिय जो विसर्ग की इंद्रिय है और आत्माकर्षणी नित्याकला, इन तीनों का एकात्म्य करके न्यास करना। बामांश रूप उपस्थात्मने अमृताकर्षणी नित्याकलायै नमः। और बायां कंधा रूप उपस्थ इंद्रिय, बायां कंधे पर हाथ रखना और अमृताकर्षणी नित्याकला की वहां पर स्थापना करना। बाम श्रोत्र पृष्ठ रूप विकृत मन आत्मने शरीराकर्षणी नित्याकलायै नमः। बाएं कान का पिछला भाग, वहीं पर विकृत मन रहा हुआ है, वो विकृत मन से एक रूप है और शरीराकर्षणी नित्याकला वहां पर विराजित है। हृद्रूप सर्वाशा परिपूरक चक्रेश्वर्यै त्रिपुरेश्वर्यै नमः। तो ये जो हृदय रूप सर्वाशा परिपूरक चक्र है, इसकी अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरेश्वरी है। यहाँ पर ये षोडश दल कमल में जिन जिन शक्तियों की स्थापना करनी है वो पूरा हुआ, ये टोटल 16 है। कामाकर्षणी बुद्धियाकर्षणी अहंकाराकर्षणी शब्दाकर्षणी स्पर्शाकर्षणी रूपाकर्षणी रसाकर्षणी गंधाकर्षणी चित्ताकर्षणी धैर्याकर्षणी स्मृत्याकर्षणी नामाकर्षणी बीजाकर्षणी आत्माकर्षणी अमृताकर्षणी और शरीराकर्षणी, ये सर्वाशा परिपूरक चक्र के 16 दलों की
अधिष्ठात्री देवियां हैं और किन किन अंगों में कौन कौन सी इंद्रियों के साथ उनका एकात्म्य बताया गया। तो पहला आवरण था त्रैलोक्य मोहन चक्र और दूसरा आवरण सर्वाशा परिपूरक चक्र। अब तीसरे आवरण में अष्टदल चक्र है, उसमें कल प्रवेश करेंगे।